ये ट्रेलर बहुत इंगेजिंग है और जिसकी वजह से हम सब फिल्म देखने के लिए आए हैं और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत अच्छी होगी। रुमैसा वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, कहानी पे यकीन आना चाहिए देखने वालों को और इंगेज करना चाहिए, फिल्म अच्छी लगती है लोगों को। किसी वक्त भी रो पड़ूंगी, इतनी एक्साइटेड हूँ ये देख के कि माशाल्लाह हमारे विंग में से निकल के बच्चे ने ऑन हिज ओन जो ये काम किया है और उसकी ये लीड डेब्यू फिल्म है और हमारी भी नहीं है, तो मैं आज एक बहुत प्राउड मॉम की तरह यहाँ पे आई हूँ। अच्छी बात ये कि हमारे साथ काम नहीं करना चाहता अब, क्योंकि वो चाहता है कि अलग लोगों के साथ काम करके डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस ले, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आई विश हिम सक्सेस, अल्लाह उसको बहुत बहुत तरक्की दे और जो उसकी किस्मत में है वो उसको मिलेगा। आशिर एक बहुत ही सेंसिबल आर्टिस्ट है, मैं अदाकार नहीं कहूँगा, आर्टिस्ट है, म्यूज़िक करता है। अपना जॉन फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसने कितना काम किया है। मेरे लिए शायद ऐसे कैरेक्टर करना कदरे आसान हो, लेकिन उसके लिए तो बहुत मुश्किल था और उसने अपने जोरे बाजू पे, अपने हिम्मत पे वो कैरेक्टर किया। आप लोग इन्जॉय करेंगे। तो आशिर तो आप लोगों को सरप्राइज़ करने वाला, आप लोगों को हैरान कर देगा। आप लोगों ने उसका इमेज देखा हुआ है बर्गर बच्चे का, लेकिन इस फिल्म में जो काम कर रहे हैं ना, आप हैरान हो जाएंगे। बहुत एक्साइटेड है, उससे ज़्यादा नर्वस है। लेट्स सी क्या होता है, बड़ी मेहनत की है। आई होप दैट पीपल लाइक द मूवी इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा रहा, आई थिंक बड़े पर्दे पे एक अलग ही उसकी फील है बिल्कुल। बस एक्साइटेड है, आई होप लेट्स होप द फिल्म गोज वेल इंशाल्लाह। इन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई है जिसमें बैडली एनी मेकअप है, रियलिस्टिक सी स्टोरी है, एक काम करने वाले की स्ट्रगल है। सो आई एब्सोल्युटली हैव द वेरी वेरी बेस्ट विशेज इन माई हार्ट फॉर बोथ आशिर, रुमैसा, सलीम भाई एंड द रेस्ट ऑफ द कास्ट। ये फिल्म कम अज कम ईद पर नहीं लगी। बात यह है कि फिल्म ईद पर दो से ज़्यादा फिल्में लगनी नहीं चाहिए। पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े हॉलीडेज हैं उसमें एक ही फिल्म लगती है, तो लिहाजा ये भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत अच्छी रहेगी, समथिंग वेरी डिफरेंट, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। ये उम्मीद है कि अच्छी फिल्म होगी, एक नया जॉनरा है पाकिस्तान में, इस किस्म के जॉनरा बड़े कम बनते हैं। और मैं आप सबसे कहूँगा कि आप लोग आके मूवी देखें, और मैं तो इसलिए देखने के लिए आया हूँ, एक तो मुझे फिल्म भी देखनी थी और दूसरा ये मेरा बच्चा है, उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। बच्चा है मेरा, बच्चा है। सोलो रिलीज़ है और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, आशिर के लिए बहुत खुश हूँ, वेरी प्राउड ऑफ हिम, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। एंड फिल्म में उसने जो किरदार अदा किया है, जो ट्रेलर से नज़र आ रहा है, वो बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। इतनी यंग एज में इतना मुश्किल किरदार, अब अंदर जाके देखते हैं फिल्म कैसी है, बट मुझे लगता है आशिर ने तो कमाल कर दिया। आई ऑलरेडी नो द स्टोरी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच देम, बिकॉज दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। आई वर्क विद देम, आई वर्क विद रुमैसा, एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन कॉन्टेंट, सो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप सबके सब बाहर आए मूवी को सपोर्ट करें, बिकॉज हमारी मूवी ज़्यादा चल नहीं रही है। सो आई रियली होप विद दिस वी कम बैक स्ट्रॉन्गर। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही टाइम है, अच्छा प्रोजेक्ट किसी भी हालत में रजिस्टर होता है, और जॉन दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, आशिर लुक्स फैंटास्टिक, एंड मेरी दुआ है कि फिल्म कामयाब हो, क्योंकि फिल्म है बहुत अच्छी, सबको देखनी चाहिए।